की नहीं हुई वो सचिन की हो जाएगी, जो चार बच्चे होने के बावजूद भी मोहब्बत की भूखी, पता नहीं कौन सी इसकी प्यास है जो बुझने को तैयार नहीं है। मैं आमिर हुसैन, सीमा हैदर जो के अपने चार बच्चों समेत अपने आशिक के खातिर इंडिया पहुंच गई। पहले तो उसको इंडिया बहुत सराह रहा था, बहुत सर पे बिठा रहा था, लेकिन अब ऐसा क्यों? अब इंडिया उसके बहुत खिलाफ हो गया। ऐसा क्यों लगता है कि वो पाकिस्तानी कोई जासूस है या ISI की एजेंट? चले आया, मैं आपको इंडियन वालों का रिएक्शन दिखाता हूँ। जो अपने पति की नहीं हुई वो सचिन की हो जाएगी, जो चार बच्चे होने के बावजूद भी मोहब्बत की भूखी, पता नहीं कौन सी इसकी प्यास है जो बुझने को तैयार नहीं है। फिर भारत आ गई और कह रही है कि मुझे मोहब्बत नहीं मिली, तो वो लगता है सचिन की हो जाएगी। सचिन भी यहाँ पर मेरे ख्याल से हैंडीकैप था, नपुंसक था, उसको यहाँ की कोई लड़की मिल नहीं रही थी। इतने बड़े भक्त जो तुम तालियां बजा रहे हो, पड़ोसी देश की मिली, अपनी बहू बेटी क्यों नहीं दे दी तुमने सचिन को? उसके लिए भी तुम्हें मुल्लाओं की जरूरत। हस्बैंड है गुलाम बलोच, उसने इसको पैसे भेजे के मकान खरीद ले, उससे इसने मकान खरीदा, जिसको बेच के अभी सचिन नामी आशना के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान भागकर आ गई। तो ये तुझे मुल्क से मोहब्बत नहीं, तुझे बच्चों से मोहब्बत नहीं, तुझे पति से मोहब्बत नहीं, तू सचिन से मोहब्बत कर लेगी? जो अपने पति की नहीं हुई, जो अपने मुल्क की नहीं हुई, जो अपनी मोहब्बत की नहीं हुई, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, जो अपने मैके की, अपने ददियाल की, अपने पड़ोस की नहीं हुई, वो भारत में सचिन की हो जाएगी? नहीं, वो तो अपने साथ चार दामाद लेकर आई है। भक्त जो खुश हो रहे हैं कि हमने घर वापसी कर लिया, अरे बावलो तुमने तो चार दामाद से, अब जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो दामाद भी तो बनेंगे ना तुम्हारे।